तेंदू के पत्ता से ना। यहाँ कहाँ हब है गुड़ में का गुड़ में ये कहाँ है? ये कारखाना खुला है ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज का मेरा जो प्लान है, आज मैं जा रहा हूँ गुड़। आज वैसे बता दूँ, मेरे घर में है मानस स्टार्ट होनी है बड़े पिताजी के यहाँ, और आज गुड़ अब ड्यूटी थोड़ा जाना पड़ेगा क्योंकि काम है। तो मैं हालांकि देखता हूँ टाइम से निकल आऊँगा, लेकिन आज एक जगह और निमंत्रण है अपने जीजा जी के यहाँ, गुड़ में ही हैं मिश्रा जी हैं, तो उनके यहाँ भी जाना है, कार्यक्रम है उनके यहाँ, बरुआ है तो बरुआ उपनयन संस्कार है, तो वहाँ भी जाना है, और फिर उसके बाद घर आना, तो घर में भी काम है, तो इसलिए फ़िलहाल ऑफिस तो जाना ही है। तो चलिए चलते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं रेडी हो चुका हूँ, अपना बैग वगैरह लेकर के टिफ़िन वगैरह अपना पैक कर लिया हूँ, क्योंकि क्या थोड़ा बहुत नाश्ता, जैसे मान लीजिए थोड़ा बहुत भूख लगती है तो खा लेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी तो भोजन भी वहाँ ना मिल जाएगा हमको जाते ही, है ना। तो इसलिए हम अपने टिफ़िन लिए हुए हैं, पानी लिए हुए हैं बॉटल में, तो चलिए चलते हैं। और फिलहाल ठीक है, फिर वापस आते हैं, फिर देखते हैं घर चल देंगे, मानस वगैरह स्टार्ट हो जाएगी तब तक तो ऐसे भी, हालांकि यहाँ भैया लोग हैं तो इधर अरेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए ठीक है, चलते हैं वहीं, फिर मिलते हैं आप लोगों से गुड़ में। गाइस गर्मी तो बहुत ज़्यादा है यार, बैठा हुआ हूँ कूलर के सामने और ये हवा आ रही है भाई, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि क्या बताएं। ना गमछा वगैरह भी बांध लिया हूँ और अब पहन लूँगा हेलमेट, तो धूप से भी सुरक्षा और गर्मी से भी सुरक्षा, लू वगैरह नहीं लगेगी भाई। इस समय तौलिया बहुत ज़रूरी है, लू से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं क्या है, मेरा तो फील्ड में ही रहता है, तो धूप में ही मतलब मेरे को थोड़ा इधर उधर आना जाना रहता है, इसलिए मैं ये गमछा जो है तौलिया लिए रहता हूँ परमानेंटली। तो चलिए चलते हैं, मम्मी को बता देते हैं और फिर निकलते हैं हम। मम्मी कहाँ? बर्तन धो रही हैं। हैं? आज भाई नहीं आई। तो गाइज मैं पहुंच गया हूं गुड़, और मैं खड़ा हुआ हूं 7 वार्ड मतलब ये कष्टहरनाथ गेट से, जो कष्टहरनाथ मंदिर की ओर रास्ता है वहीं पर खड़ा हुआ हूं। चलिए चलते हैं, देखते हैं अपनी गाड़ी कहां लगी हुई है। हालांकि ड्राइवर से बात हुई है तो बोला इसी लाइन में है, 5 वार्ड में है, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या काम चल रहा है। तो गाइस वार्डों को घूमते घूमते हम पहुंच गए हैं ऑफिस, जो गुड़ का नगर परिषद है, और ये हमारे ये है गुड़ का नगर परिषद का ऑफिस। तो गाइस चलिए ठीक है, फिलहाल तो वार्डों का काम हो ही रहा है, गाड़ियां अपने रूट पर लगी हुई हैं, और मैं चलिए थोड़ा सा मिलता हूं जो यहां के दरोगा जी हैं खुशबू त्रिपाठी जी, तो उनसे चलिए मिलते हैं और उसके बाद फिर आगे का जो है तो देखा जाएगा, है ना। टीम बनाई थी है ना, काहे का पत्ता ही तेंदू पत्ता है, तेंदू तेंदू पत्ता सेम जंग जंगल में ही रखता है, गोली गोली सेम 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 बोला तेंदू, तेंदू के पत्ता से ना। यहाँ कहाँ हब है गुड़ में? का गुड़ में ये कहाँ है? ये कारखाना खुला है ना। अच्छा, ये पत्ती का की जंगल में पत्ती होती है। अच्छा ले आई थी, मज़ा आई थी, है ना। हाँ यार, इलावत है बहुत आदमी ही नहीं लेता है, हम वो एक जैसे यहाँ से पत्ता ले लिया ना अपना। हाँ यहाँ से ले लिया, ये बना के दे दी थी, वो खरीद ले थे मतलब मुसलमान आ गए थे, लेबी बनवा के सब से अपन पकाई और लेबी लगा के 5-5 दो रुपये क्विंटल बना के दुकान में बिक्री करते अपना घर के दे दी थी। चली पड़ी देख अब बेची थे ले जाके, है ना। कहाँ दुकान बेच दी थी? कि यहाँ दुकान में दे दी थी, मुसलमान खोले है लाइसेंस ले है, अब देखा पकाई कई भट्टी में ये भी लगाई थी अपन दुकान दुकान लगी कमी से बांधी कर।
सो गाइज, अब घूमते घूमते हम पहुंच गए हैं कष्टहरनाथ मंदिर, और वो हमारे पीछे देखे कष्टहरनाथ मंदिर है, वहाँ बैंड बाजा ही बज रहा है, इसीलिए मैं यहीं साइड में बैठ गया हूँ। बट वृक्ष का पेड़ है, बढ़िया एक नंबर की छाया, बढ़िया ठंडा मौसम, तो इसलिए हम यहीं बैठ गए हैं। फिलहाल यहाँ बताया ना था कि एक दिन मिश्रा जी के यहाँ तो जाना है, क्योंकि बरुआ है, तो अभी कुछ देर अभी बाड़े में ही बैठे हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। तो अभी यहाँ फिलहाल यहाँ की ठंडक का आनंद ले रहे हैं, कुछ देर से यहाँ से निकलेंगे। अच्छा बढ़िया एरिया है, इधर साइड क्या है, पेड़ पौधे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा बैठ लेते हैं फिर निकलेंगे उधर। तो चलिए ठीक है गाइस, फिलहाल बार्डों का काम तो हो गया, क्योंकि आज तो यहाँ के जो दरोगा हैं उनसे उनके साथ फिर थोड़ा बहुत बार्डों का भ्रमण हुआ, घूम बाकर बार्डों का काम करवाया गया है, और अब बस हो गया, कुछ देर बाद हम निकल जाएंगे मिश्रा जी के यहाँ और फिर भोजन वगैरह ले करके घर। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइस, गुड़ से तो आ गया हूँ, और वहाँ पर भीड़ भाड़ तो था ही, साथ ही साथ बैंड बाजा बज रहा था, इसलिए वहाँ पर कुछ हो नहीं पाया, कुछ सीन ब्लॉग बन नहीं पाया। सो गाइस, अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ बड़े पिताजी के यहाँ, जैसे कि मैंने बताया था मानस चल रही है, मानस स्टार्ट हो गई है, तो चलिए चलते थोड़ा वहीं बैठेंगे, फिर वहाँ से आते हैं। क्या बोली मम्मी? अब मम्मी लगी हुई है इधर, देखिए मम्मी जी गेहूँ चालने में, तो इस समय मम्मी की ड्यूटी डेली की है, शाम को गेहूँ चालने की। तो चलिए गाइस चलते हैं हम। गाइज यहीं पर मंदिर है, और मंदिर के सामने ही यहीं पर मानस का पाठ हो रहा है, क्योंकि शंकर जी का मंदिर है, बगल में ही मानस का पाठ शुरू है, तो ये चल रहा है गाइज। और यहाँ पर भैया लोग बैठे हुए हैं, और जो गेस्ट आ रहे हैं वो भी सामने बैठे हैं, और ये है घर बड़े पिताजी का। तो चलिए ठीक है। सो गाइज, शाम के अब बज रहे हैं, रात के मतलब कहें तो 8:30, और अब मैं बैठा हुआ हूँ घर में, और आई होप आप सभी लोगों ने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा, तो आई होप आप सभी को भी अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत पसंद आया। आप लोगों ने देखा मानस का पाठ, गुड़ आना जाना, ये सारी चीज़ें हुई आज की। तो गाइस ठीक है, आज का हम ब्लॉग एंड करते हैं, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।